पुणे में मूथा कैनाल की दीवार टूटने से सड़क पर सैलाब, शहर के सैकड़ों घरों में घुसा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। असम के विश्वनाथ जिले में जान जोखिम में डालकर बच्चे नदी पार करने को मजबूर, बच्चे एल्युमिनियम के बर्तन में बैठकर नदी पार करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बर्फबारी, कुल्लू में बर्फ में फंसी महिलाओं और बच्चों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फंसे 24 पर्यटकों का एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, भारी बर्फबारी के बाद स्पीति में फंसे थे सभी पर्यटक। कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल में वकीलों का हंगामा, वकील की भतीजी से बदसलूकी पर फूटा गुस्सा, जमकर की मारपीट और तोड़फोड़। यूपी के मऊ में स्कूली वैन हादसे के बाद भीड़ का तांडव, पुलिस पर किया पथराव, डायल 100 की गाड़ी में भी लगाई आग, वैन हादसे में 25 बच्चे जख्मी। यूपी के बरेली में दीवार से बांधकर एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल, गांव के ही लोगों पर युवक को पीटने का आरोप, प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला। देहरादून के कोर्ट रोड में एक महिला ने एक साधु की जमकर धुनाई कर दी, साधु ने महिला की बेटी के वैवाहिक रिश्तों को सुधारने का दावा किया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी के हरदोई में एक शराबी रिवॉल्वर लेकर बीडीओ ऑफिस में घुसा, बीडीओ से कुछ दस्तावेज छीनने की कोशिश की, शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के गया में कैश वैन के ड्राइवर से 8,34,000 की लूट, चोरों ने 100 रुपए का नोट गिराकर ड्राइवर को उलझाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बागपत में दो बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चेन झपटी, नकाबपोश बदमाशों ने दी वारदात को अंजाम। यूपी के इटावा में 100 फीट लंबे अजगर के निकलने से लोगों में हड़कंप, रिहायशी इलाके में निकले इस अजगर का वजन 40 किलो है, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक अफवाह के चलते गांव वालों ने महेशपुर वन चौकी को किया आग के हवाले, वन कर्मियों की बंदूकें छीन कर आग के हवाले की, बाघ के हमले से एक शख्स के गंभीर रूप से जख्मी होने की अफवाह फैली थी। भोपाल में सीएम हाउस के पास टावर पर चढ़े युवक ने मचाया कोहराम, प्रशासन की टीम को रेस्क्यू में छूटे पसीने, डूब प्रभावित जमीन के मुआवजे के लिए 5 साल से चक्कर काट रहा है पीड़ित। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों ने सड़क पर फेंका टमाटर, मंडी में 3 किलो टमाटर का दाम मिलने से परेशान। गुजरात के सूरत में हरिकृष्णा एक्सपोर्ट के मालिक सवजी ढोलकिया ने कंपनी के 3 कर्मचारियों को 1-1 करोड़ की मर्सिडीज दी, पहले भी कंपनी ने बड़े तादाद में अपने कर्मचारी को दिए हैं महंगे तोहफे। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर आज से 2 दिन तक मनाया जाएगा पराक्रम पर्व, इंडिया गेट पर होगा मुख्य कार्यक्रम, पीएम मोदी आज जोधपुर में पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। पराक्रम पर्व से पहले रक्षा मंत्रालय ने सर्जिकल स्ट्राइक का एक और वीडियो जारी किया, पीओके में भारतीय सेना के शौर्य की गाथा। रूस के साथ S-400 मिसाइल की डील, जल्द हो सकती है फाइनल, सूत्रों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले मोदी कैबिनेट में खरीद को मंजूरी दी। रूस के साथ ये बिग डील करीब 40,000 करोड़ रुपए की है, 2 साल के अंदर S-400 मिसाइल सिस्टम भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा होगा। सार्क की बैठक में भारत की नजरअंदाजी पर भड़का पाकिस्तान, पाकिस्तानी विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने रोया दुखड़ा, कहा अगर सार्क की प्रगति में कोई बाधक है तो वो एक देश का रवैया है। रिटेल में विदेशी निवेश के खिलाफ आज व्यापारियों का भारत बंद, देश भर में करीब 5 करोड़ दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारियों के बड़े संगठन कैट ने आज बुलाया भारत बंद, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील और रिटेल में FDI का विरोध। गुजरात की वडोदरा में भारत बंद को व्यापारियों का पूरा समर्थन, कारोबारियों ने बाइक रैली निकालकर रिटेल में विदेशी निवेश का विरोध किया। देश भर में आज केमिस्ट की भी हड़ताल, ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में हड़ताल पर केमिस्ट, हालांकि अस्पताल के अंदर की दवा दुकानें खुली रहेंगी। केरल के सबरीमाला मंदिर में क्या सभी महिलाओं को मिलेगी प्रवेश की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, अभी 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, मामला बड़ी बेंच को सौंपने की मांग भी खारिज।
नमाज पर फैसले ने हटाई अयोध्या विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की रुकावट। 29 अक्टूबर से रोजाना होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फैसले से खुश वीएचपी अब 5 अक्टूबर को तय करेगी रणनीति। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दोहराया राम मंदिर बनाने का दावा। कहा जरूर बनेगा मंदिर, चाहे संसद से ही क्यों ना बनाना पड़े कानून। शादी से अलग संबंध बनाना अब अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 157 साल पुराने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक बताया। कॉल ड्रॉप की समस्या से पीएम मोदी भी परेशान। प्रगति मीटिंग में दूरसंचार विभाग को जल्द समाधान के दिए निर्देश। बोले ग्राहकों को उच्चतर सेवा देना टेलीकॉम कंपनीज का फर्ज। पीएम मोदी के बाद संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने भी कॉल ड्रॉप की समस्या को बताया गंभीर। बोले जल्द तकनीकी हल निकालने के लिए विभाग के आला अधिकारियों को देंगे निर्देश। रफाल पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी की नीयत पर शक नहीं, देशहित में हुआ है रफाल डील का फैसला। एनसीपी अध्यक्ष के बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा रफाल पर राजनीति से ऊपर उठकर सच को कबूल करे राहुल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा पटेल की मेड इन चाइना मूर्ति लगा रही है सरकार। अमित शाह ने कहा पटेल का अपमान कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। आज रीवा में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे राहुल। सैपुर मोड़ और बरौन गांव के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश के चित्रकूट से राहुल ने किया संकल्प यात्रा का आगाज। पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। बोले पीएम ने तोड़ा जनता का भरोसा, सीएम को बताया घोषणाओं की मशीन। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एक ही जगह से दो बार हारे उम्मीदवारों को नहीं देगी टिकट। महिलाओं के लिए 15% कोटा तय। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कभी भी जारी हो सकती है पहली लिस्ट। एनसीपी नेता छगन भुजबल की कंपनी आर्मस्ट्रांग की संपत्ति की 30 नवंबर को नीलामी। नासिक में कंपनी पर एक बैंक का करीब 4.5 करोड़ बकाया। अलकतरा घोटाले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 4 साल की कैद। रांची की सीबीआई कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर ईडी ने कसा शिकंजा। 4 प्रॉपर्टी सील, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। वाराणसी में रामनगर की रामलीला पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। रामलीला के राम समेत चारों भाई अस्पताल में भर्ती कराए गए। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने दी पर्यटन नीति को मंजूरी। होटल रिजॉर्ट के लिए जमीन खरीद पर मिलेगी 50% की छूट। देहरादून के स्कूल में छात्रों से गैंगरेप के मामले के बाद नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को जारी किए निर्देश। दिल्ली के 6 बच्चों को आरपीएफ ने गलत हाथों में जाने से बचाया। कम उम्र के ये बच्चे मुंबई में हीरो बनने जा रहे थे। यूपी के जौनपुर में एक महिला का गर्भपात होने के बाद परिजनों ने प्राइवेट नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। एक्सपायरी दवाइयां देने का आरोप। यूपी के उन्नाव में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरदोई जिले के सीएचसी अस्पताल के स्टाफ पर एक गर्भवती महिला से धक्का मुक्की करने का आरोप। डिलीवरी करवाने के लिए रुपए नहीं देने पर बेड से धक्का देने का आरोप। यूपी के गाजीपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की पीट पीट कर हत्या। लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप। यूपी के बरेली में बेलगाम पशु तस्करों ने एक सिपाही के लिए जान। गश्त के दौरान पशु तस्करों ने सिपाही को ट्रक से कुचला। यूपी के फरुखाबाद में एक साधु पर 4 साल की मासूम बच्ची से रेप करने का आरोप। परिजनों की शिकायत पर आरोपी साधु के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के संभल में तेंदुए की दहशत। ग्रामीण मशाले जलाकर और ढोल नगाड़ों के सहारे अपनी रातें जागकर गुजारने को मजबूर। बिहार के जहानाबाद में गोली मारकर भाग रहे अपराधी को लोगों ने पकड़ा, जमकर पिटाई की। बिहार के बगहा में पुलिस और एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार और विस्फोटकों के साथ 4 नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने खेला खूनी खेल। एक युवक की गोली मारकर हत्या। पीएलएफआई ने दिया वारदात को अंजाम। झारखंड के गुमला में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या। जमीन विवाद में ली जान, हिरासत में 2 लोग। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने रचा इतिहास। बिहार की पहली ई पाठशाला हुई शुरुआत। जीएसटी कलेक्शन में आई कमी पर सरकार गंभीर। सूत्रों के मुताबिक आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में कलेक्शन में आई कमी पर होगी चर्चा।
जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली बैठक में डिजास्टर सेस पर भी हो सकता है फैसला। केरल में आई भीषण बाढ़ के बाद इस सेस को लगाने का विचार आया। एशिया कप 2018 का फाइनल आज, भारत और बांग्लादेश में होगी टक्कर। सातवीं बार कप पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया।